नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार, लेक्चरर बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता ही है, हम प्लस टू बायोलॉजी और प्लस वन बायोलॉजी की क्लासेस चलाएंगे सीटी चैनल चंपा के द्वारा। 10 से 11 का टाइम रहेगा सुबह का, और शाम को 5 से 6 बजे का टाइम रहेगा। तो जो सबसे पहले हम प्लस टू की ही क्लासेस शुरू करेंगे। प्लस टू का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ। प्लस टू का जो सिलेबस है बायो का, वो उसमें 5 यूनिट है टोटल। ये सिलेबस भी आपको मैं बता दूंगा कि ये क्या है। 5 टोटल यूनिट है, और ये 5 यूनिट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, सेकेंड है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, थर्ड है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, थर्ड है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, फोर्थ है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, और फिफ्थ है इकोलॉजी। तो इनके अंडर आने वाले कुछ चैप्टर्स हैं, कुल मिला के 16 चैप्टर हैं, टोटल 16 चैप्टर हैं। तो आराम से हम करेंगे, आराम से कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ आए। और जहाँ भी आपकी कोई क्वेरी रहेगी, मैं हमेशा तैयार हूँ आपके लिए, आप ज़रूर पूछें। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूँगा साथ में अपना, तो उस व्हाट्सएप पे आपको कोई क्वेरी है तो आप डालें, और उनके लिए नोट्स भी मैं वहाँ पे डालता रहूँ। जैसे भी आपको जैसा भी लगेगा, आप मेरे को निरंतर पूछें और बताएं, अपना रिस्पॉन्स भी बताएं कि किस तरह से कोई अगर कोई कमी लगती है आपको तो वो भी ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर कुछ दे पाऊँ। थैंक यू। नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्लस टू क्लास विद फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, दैट इज रिप्रोडक्शन। आज हम प्लस टू का बायो का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, और फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हमने ये हेडलाइन यहाँ पे लिया हुआ है, एक रिप्रोडक्शन। देखो, नाम से ही लग रहा है रिप्रोडक्शन, दोबारा से कोई चीज़ प्रोड्यूस होना। इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस वंस अगेन, एक बार वो फिर से प्रोड्यूस होना चाहते हैं। इसके लिए एक छोटी सी, हमें अगर इसको हमने डिफाइन करना हो तो यहीं से निकल जाएगा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस विच आर आल्सो नोन एज ऑफस्प्रिंग्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं, ऑफस्प्रिंग भी बोल देते हैं। दे मे बी सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, चाहे वो सेक्सुअली राइज करें चाहे वो एसेक्सुअली राइज करें। That is known as young one, and the individual can be named as offspring. This is simply known as reproduction. और एक चीज और है, it maintains the continuity of the life. Means जो भी characteristics, जो characters parents के होते हैं, वो next generations में लेके जाने में ये reproduction help करता है। जो भी next generation आती है, means young बनाते हैं, फिर वो offsprings बनाते हैं, तो उनमें ये करेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यूटी बनाने में हेल्प करता है, मतलब दैट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी। आई होप आपको पता लग रहा होगा। फिर हम बात करते हैं, एक अगर हमने रिप्रोडक्शन की बात करी, यंग बन की प्रोडक्शन की बात करी, तो ये यंग बन बनने के बाद फिर ग्रो भी करेगा। ग्रो करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम अटेन करेगा, एक अपना टाइम लेगा। वो टाइम जैसे ग्रोथ से लेके, इसकी बर्थ से लेके पूरा ग्रोथ पीरियड का टाइम, एंड देन इट एंड्स, मीन्स उसके बाद इसकी डेथ भी होगी। ये जो पीरियड होगा, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब, जब भी इंडिविजुअल कोई पैदा हो रहा है, और पैदा होने से लेके वो एक टाइम अपना ले रहा है, दैट इज अप टू द डेथ पीरियड ऑफ दैट इंडिविजुअल, उसका वो डेथ तक का जो टाइम आ रहा है, दिस स्पैन इज नोन एज लाइफ स्पैन। डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ इंसेक्ट्स में, कुछ एनिमल्स में
जैसे अगर डॉग्स की बात करें, 12 to 15 years तक का टाइम है उनका नॉर्मली, दैट इज़ देयर लाइफ स्पैन, 1 से 2 हफ्तों तक का कुछ इंसेक्ट्स का टाइम है। जैसे ट्री हैं कुछ बड़े बड़े, दे हैव 2000 years टाइम। एंड अगर क्रो की बात करें, दे हैव 50 years। इसका एक छोटा सा चार्ट है, वो आप एक बार नज़र मार लेना इसको। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के पार्ट्स की। तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो जैसा कि नाम से भी यहाँ मीनिंग निकल रहे हैं, सेक्सुअल का मतलब ये हुआ कि कहीं पे ओ सेक्सेस की बात हो रही है, मींस दो सेक्सेस की यहाँ पे बात करेंगे, तो दो पेरेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। और एसेक्सुअल की बात करेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि एक मींस दो पेरेंट्स की यहाँ बात नहीं हुई, सिंगल पेरेंट की यहाँ पे बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जो हम बात करेंगे कोई पेरेंट है, पेरेंट में हमने कोई एक पेरेंट सेल ले रखा है, सिंगल सेल एनिमल की बात करिए, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज अगेन प्रोडक्शन ऑफ यंग वन, प्रोडक्शन ऑफ यंग वन दैट इज आल्सो नोन एज ऑफस्प्रिंग, उसको हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं। और वो जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे पेरेंट से, यहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है किसी दूसरे पेरेंट की, ना ही किसी दूसरे ऐसी चीज की जो आपस में अलाइन कर रहे हो, मींस आपस में ज्वाइन कर रहे हो और फिर कोई नई चीज बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो सिंगल पेरेंट की बात करें, ये एक पेरेंट है, पेरेंट डिवाइड्स, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट एंड दिस इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ अमीबा, ये एक प्रोटिस्ट है। और अमीबा का जो ये न्यूक्लियस है, ये इस तरह से सेंट्रली ये ब्रेक करेगा और ये दो माइटोटिकली डिवाइड कर जाएंगे ये, एंड दे फॉर्म टू डॉटर सेल्स, क्या बनाएंगे ये दो डॉटर सेल्स बनेंगे। और अब पेरेंट की अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे खत्म होगी। अब ये जो कॉपीज बनेंगी बिल्कुल सेम कॉपीज बनेंगी लाइक देयर पेरेंट, बिल्कुल पेरेंट की तरह ही सिमिलर कॉपीज बनेंगी। तो इसका मतलब एक तो ये सिंगल पेरेंट है, मोनोपेरेंटल, दूसरा आइडेंटिकल मींस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ये किन में होते हैं, प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्ट में हमने एग्जांपल लिया अमीबा का, मोनिरन्स भी में भी होते हैं, मोनिरन्स मींस जिनमें हम बैक्टीरिया वगैरह लेते हैं। अब जब ये आइडेंटिकल बन रहे हैं, बिल्कुल सेम बन रहे हैं, तो इनको हम एक और टर्म से बुलाते हैं, दैट इज नोन एज क्लोन, इसको क्लोन बोलते हैं, क्लियर। और एक और चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, जब सिंगल ही पेरेंट था, सिंगल पेरेंट ने जब डिवाइड किया, इट फॉर्म्स टू इंडिविजुअल टू नॉट डॉटर सेल्स, यहाँ पे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई उसी पेरेंट की, चेंज नहीं आई कोई भी, कोई वेरिएशन नहीं आई, तो इसका मतलब देर इज नो वेरिएशन। तो ये सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स हुए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। इसके साथ हम इसके एग्जांपल्स को लेके भी डिस्कस करते हैं, दूसरा एक डेफिनेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी साथ में देख लेते हैं। यहां आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लियर पता लग गया, मोनोपेरेंटल सिंगल पेरेंट है, आइडेंटिकल बनते हैं डॉटर सेल्स, ये भी आपको पता लग गया, क्लोन्स हैं मींस वो सेम कॉपीज हैं, नो वेरिएशन, कोई भी चेंजेस नहीं इनमें आती है, आती नहीं है क्योंकि वो कोई भी किसी दूसरे जीन्स के साथ इसका अलाइन या दूसरे किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं मिलते हैं इसलिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, देर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स, मीन्स टू इंडिविजुअल गैमीट्स। वो गैमीट्स क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओम। यहां पे देर इज ए प्रोडक्शन ऑफ यंग वन, यहां पे यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ये जो फ्यूजन है, जो ज्वाइन कर रहे हैं गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट, उसको हम फ्यूजन को सिनगैमी भी बोलते हैं। और ये सिनगैमी ही क्या है, फर्टिलाइजेशन, यही फर्टिलाइजेशन है। अब ये जो इंडिविजुअल यहां पे बनेगा, या तो वो मींस सेम पेरेंट से आने वाले गैमीट हो सकते हैं, या डिफरेंट इंडिविजुअल पेरेंट्स होंगे, डिफरेंट मतलब दो अलग अलग पेरेंट्स, दो अलग अलग पेरेंट्स का मतलब है एक मेल पेरेंट हो सकता है, दूसरा फीमेल पेरेंट हो सकता है, दोनों डिफरेंट पेरेंट्स।
मेल पेरेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो फादर की बात की जा सकती है, और दूसरा फीमेल पेरेंट की बात करें तो दूसरा कोई यहाँ पे मदर की बात करें, तो दोनों में से दो गैमीट यहाँ पे आ रहे हैं, एक स्पर्म जो कि एक पेरेंट में से आ रहा है, मेल पेरेंट में से आ रहा है, और ओवम जो है इसके लिए ऐसा मार्क करते हैं हम फीमेल, ये फीमेल से आ रहा है और ये मेल पेरेंट से आ रहा है, स्पर्म और ये ओवम, और ये दोनों ही ज्वाइन कर रहे हैं, जाइगोट बन रहा है, सिनगैमी हो रही है। इसी प्रोसेस को इसके ज्वाइनिंग करने के बाद जो टर्म यूज करते हैं वो है फर्टिलाइजेशन, इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखो दो डिफरेंट पेरेंट्स से आने के बाद भी ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, और ये दिस इज ए पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो यंग वन बन रहे हैं इनमें और इनके पेरेंट्स में, जो दोनों की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स थी, अपने अपने गुण थे उनमें, और ये जो नया यंग वन बना भिन्नता आएगी, डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब ये जो होगा इन दोनों के करेक्टर्स को लेके आएगा यंग वन, ये जो बनेगा जो आगे जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर नया पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा, इसमें मदर मदर के भी करेक्टरिस्टिक्स आए, सिंगल एंड इसके थ्रू ओवम के थ्रू और सिंगल एंड स्पर्म के थ्रू फादर के लिए। अब इसमें दोनों के ही आगे तो इसमें एनवायरमेंट से भी एक्वायर करेगा, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, मींस बड़े ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स इसके इसके पास नए होंगे, तो ये वेरिएशन भी लाएंगे, डाइवर्सिटी भी लाएंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ये लेके आएंगे। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट की हम बात करते हैं, जिसको सिनगैमी बोलते हैं ज्वाइनिंग को, उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, और ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स का मतलब है मदर एंड फादर, और सेम इंडिविजुअल का मतलब है कि एक ही इंडिविजुअल हो सकता है जिसमें दोनों ही सेक्सेस हो, ऐसा भी है पॉसिबल, वो दोनों ही सेक्सेस अगर उसके अंदर है तो वो बाइसेक्सुअल होता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें सिंपली अर्थवर्म केंचुआ, सबसे सिंपल एग्जांपल हम वो ले लेते हैं, उसमें दोनों ही सेक्सेस होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, तो वो हुआ सेम इंडिविजुअल, ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। आई होप आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता लग गया होगा, आगे इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन का आएगा, एनिमल रिप्रोडक्शन का आएगा, तो इसको काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट तरीके से हम पढ़ेंगे। अब इसके साथ हम बात करते हैं, ये एक चीज़ और थी यहाँ पे, नॉन आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल सिमिलर कॉपी नहीं होती है, क्योंकि डिफरेंट आया, मैंने बोला था ना आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स 50% जो मदर से आए 50% फादर से आए, और ये अपने आप भी एक्वायर करता है फिर एनवायरमेंट से, तो काफ़ी ज़्यादा ये डिफरेंट होता है, तो नॉन आइडेंटिकल, एक तो डाइवर्सिटी लेके आएंगे और साथ में वेरिएशन भी लेके आएंगे, वेरिएशन का मतलब चेंजेस भी रहेंगे इनमें, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस रहेंगी। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके, इसके एग्जांपल्स की भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, इनके कुछ पार्ट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम अलग अलग पार्ट वाइज डिस्कस करते हैं। इसमें एक पार्ट है फिजन, फिजन का मतलब होता है टूटना, व्हेन द पेरेंट सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म द डॉटर सेल्स, जब पेरेंट सेल डिवाइड करने के बाद डॉटर सेल्स बनाते हैं उसको हम फिजन बोलते हैं। अब देखो ये एक हमारे पास पेरेंट सेल था, अमीबा का ही एग्जाम्पल लिया हमने प्रोटिस्ट में, तो ये डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, जब ये दो डॉटर सेल्स में टूट रहा है तो दो में टूटा, तो बाइनरी फिजन, इसका ये मतलब हुआ कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, इज नोन एज बाइनरी फिजन, ये एक एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का। दूसरा एग्जाम्पल इसमें हमने ले रखा है एक बैक्टीरिया जिनको मोनिरन्स भी बोलते हैं, मोनिरन्स, मोनिरन्स मतलब मोनिराज बैक्टीरियाज, ये बैक्टीरिया है, इसका न्यूक्लियस है और ये सेंट्रली इस तरह से डिवाइड होता हुआ, ऐसे ये डिवाइड होता है और ये दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं यहाँ पे इस तरह से, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन, ये भी बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है, क्लियर। फिजन के बाद हम कुछ फंजाई में से भी एग्जाम्पल ले रहे थे, हमने फंजाई का भी यहाँ पे पीछे एग्जाम्पल लिया था, तो फंजाई में एक यहाँ पे एग्जाम्पल आता है बडिंग का, बडिंग में एग्जाम्पल आएगा ईस्ट का, ईस्ट कमीर जिसको आप बोलते हैं, ब्रेड बन वगैरह और अपने घर की रोटियों में भी हम डालते हैं, ये ईस्ट सिंगल सेल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, इसका न्यूक्लियस, और ये स्टार्ट टू ग्रो फ्रॉम वन साइड, छोटा सा आउटग्रोथ बनाना यहाँ पे शुरू करता है, छोटी सी आउटग्रोथ हुई माइटोटिकली, माइटोटिकली का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर बराबर रहते हैं, तो यहाँ से डिवाइड हुआ और ग्रो हुआ, छोटा सा आउट पार्ट ग्रो हुआ, आउटग्रोथ ग्रो करने के बाद यहाँ से सेपरेट हो गया, डिटैच हो गया, ये अलग हो गया और ये नया पूरा
ईस्ट का सेल बना देगा, नई फंगस बना देगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बडिंग, इसको बडिंग का एग्जाम्पल बोलते हैं। तो ये पता लग गया आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स की। कुछ ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स का मतलब, जैसे हम अगर प्लांट्स की बात करें या अदर कुछ एग्जाम्पल्स और भी लें, कुछ एक सिंपल से प्लांट्स हैं जैसे एल्गी है, दे आर रिप्रोड्यूस बाय सम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। बड़े माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही हम देख पाते हैं। उन स्ट्रक्चर्स के स्ट्रक्चर्स की वजह से ही ये रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आपके आपने ये दिमाग में रखनी है बातें, हम एग्जाम्पल्स भी उन्हीं के ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, होती है। बट ये जो हम बात कर रहे हैं, किसी भी दूसरे पार्ट से कोई भी बॉडी का पार्ट बनना और वहाँ से पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाना, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो किन किन तरीकों से होती है, एक है जूस्पोर्स। जूस्पोर क्या है? दीज आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है इस तरह के, दे हैव सम फ्लैजेला। ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं और फ्लैजेला की वजह से ये मूव कर पाते हैं, तब हम इनको बोलते हैं मोटाइल स्ट्रक्चर्स। और दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जूस्पोर। जूस्पोर में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो दे आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में ये जूस्पोर्स बनते हैं और सेम टाइप के इनकी ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं ये, एंड लेटर दे विल डेवलप इनटू न्यू क्लेमाइडोमोनास। This is a part of asexual reproduction. दूसरा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया एक कोनिडिया का। कोनिडिया जो एग्जाम्पल है फंजाई का, फंजाई का इसमें एग्जाम्पल लिया हमने पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम नोटेटम से इसका नाम है, जो कि खट्टों पे ग्रो करती है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन पे ग्रो करती है। तो हमने इसका हल्का सा स्ट्रक्चर यहाँ बना के दिखाने की कोशिश करी। ये इसका स्ट्रक्चर है और ये बन रहे हैं इसके स्पोर्स, बाद में लेटर डेवलप करेंगे और ये ब्रेक होके टूटते चलेंगे और निकलते चलेंगे। ये हैं सब स्पोर्स और एयर में घूमते रहेंगे, जहाँ इनको फेवरेबल मीडियम मिलता है वहीं ये ग्रो कर जाते हैं। दीज आर कोनिडिया। इनको क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं इनको। फिर है जेम्यूल्स। जेम्यूल्स किन में आते हैं? स्पॉन्जेस में आते हैं। स्पॉन्जेस मोस्टली सी में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। तो ये जो स्पॉन्जेस हैं इनमें भी माइक्रोस्कोपिक जेम्यूल्स ग्रो करते हैं। वो अंदर ही डेवलप करते हैं और अलग हो जाते हैं और उनसे नए स्पॉन्जेस डेवलप हो जाते हैं, उनसे नए स्पॉन्जेस बन जाते हैं। दीज आर आल्सो द पार्ट्स ऑफ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। फिर अब बर्ड्स। बर्ड्स में हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रा का। जरा सा मैंने दिखाने की कोशिश करी है हाइड्रा के, ये टेंटिकल्स, ये इसका माउथ पार्ट और ये इसका पूरा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। यहाँ से एक आउटग्रोथ सीज पे ग्रो हो रही है, एक वही डिविजन्स के बाद आउटग्रोथ डिवाइड हुई और वो फिर से डिटैच होगी और ये डिटैच होने के बाद नया एक हाइड्रा बना देगी। दीज आर आल्सो द पार्ट्स ऑफ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। ये सारे के सारे क्या है? एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स के थ्रू होने वाली रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स थे। इसके साथ ही नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ अदर एनिमल्स में और कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल भी लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एनिमल्स में। एनिमल्स भी मोस्टली हम एसेक्सुअल टर्म यहाँ पे एम्बिगसली यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, उसमें बायसेक्सुअल है तो बायसेक्सुअल को हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से बुलाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टर्म्स हम यूज़ करते हैं। बट इन प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें तो प्लांट्स के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्रिक्वेंटली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब वेजिटेटिवली कोई चीज़ ग्रो करे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं उसको। वेजिटेटिव का मतलब ये हुआ, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, शायद आपने थोड़ा सुना होगा, वो है फ्लावर। फ्लावर में जो एंड्रोशियम है, गायनोशियम है और ये जो पार्ट है मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, तो दे मेक इट रिप्रोडक्टिव। वो इसको क्या बनाते हैं? रिप्रोडक्टिव बनाते हैं। इसको छोड़ के लीव्स, स्टेम, रूट, ये सब के सब क्या है? वेजिटेटिव पार्ट। अगर हम किसी स्टेम के पार्ट को काट के कहीं ग्रो कर देते हैं और वहां से कोई
प्लांट लेट ग्रो करती है और वो पूरा प्लांट बन जाता है। तो ये क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब एक तरीका हुआ जब हम किसी भी पार्ट को अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के लगा देते हैं और वो ग्रो कर जाता है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को लेके हमने कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स लिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल हमने लिया है रनर्स में स्टेम जो है वो सरफेस पे रन करते हैं, और इसमें एग्जाम्पल है ग्लैडियोलस, और दूसरा है राइजोम। राइजोम में हम एग्जाम्पल लेते हैं जिंजर का, जिंजर अदरक। इस तरह से अगर हम बात करते हैं ये ऐसे, ये और ये जो नोड जैसी हैं उसके लीव्स जैसी दिखती हैं आपने, मोस्टली अदरक सभी को पता है कि किस तरह का होता है। तो ये जो नोड्स में से ये लीफलेट ग्रो कर जाएगी, वेजिटेटिव बड ग्रो कर जाएगी और छोटी छोटी रूट्स यहाँ पे ग्रो करेंगी। रूट्स को बोलते हैं एडवेंटिजियस रूट्स, और ये वेजिटेटिव पार्ट्स का ग्रो कर गया। तो ऐसी ग्रोथ को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। इसको काट के लगा दो, इस तरह से ग्रो करने वाली पार्ट्स को हम बोलते हैं राइजोम। फिर शक्कर, क्राइजेंथिमम में चरमर जिसको बोलते हैं हिंदी, यहाँ चमियाली की अगर हम बात करें तो इसमें भी वैसे एक बार लगा दो तो इसके स्टेम जो बेंड करके पूरे एरिया में ग्रो करते रहते हैं। उसके बाद ट्यूबर में पोटैटो की अगर बात करें तो पोटैटो का बेस्ट आपको पता है, ये एक पोटैटो है, इस तरह से ये निशान से दिखते हैं आपको, और कहीं बरसात के सीजन में अब आने वाला टाइम है जैसे, तो ये जो है इसको आई बोलते हैं, स्कार जैसे दिखते हैं, और इन आईज को नोड्स भी बोलते हैं, और यहीं से ये पूरा ये वेजिटेटिव बड ग्रो करती है और ये पूरा प्लांटलेट ग्रो करना शुरू करती है। तो साथ में ही रूटलेट्स इसीलिए डेवलप करती हैं, ये जो रूट डेवलप करती है ताकि वो नरिशमेंट ले पाए, जहाँ भी इनको ग्रो करना है तो वहाँ से नरिशमेंट ले पाए ताकि ये प्लांट ग्रो कर जाए। तो ये बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो का। उसी तरह से ऑफसेट है, ऑफसेट में पिस्टी है, ये सारे पानी में ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं। बल्ब है, बल्ब में हम अनियन की बात करते हैं, अनियन प्याज आपको पता है, उसको कहीं लगा देते हो एक बल्ब को तो वहाँ से भी उसके लीफलेट्स ग्रो कर जाती है। आई होप कि आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पता लग गया होगा। ये कुछ एग्जांपल्स जरूर ध्यान में रखें, और जब भी पढ़ें तो एग्जांपल्स का आप जरूर ध्यान दें आप एग्जांपल्स को। ऐसे ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को लेके एक प्लांट यहाँ पे इंडिया में जो है वो काफ़ी टाइम पहले लगभग 18 सेंचुरी में 1890 के आसपास इस प्लांट की को एक गिफ्ट के तौर पे लाया गया, जो यहाँ पे उस टाइम पे इंडिया में जो यहाँ ब्रिटिशर्स होते थे उनमें गवर्नर थे, उनकी एक बाइक थी वो लेके आए थे गिफ्ट बाहर से, तो उन्होंने यहाँ पे ग्रो करा। इसके फ्लावरिंग में फूल जो है वो पर्पल कलर के बड़े सुंदर होते हैं, तो उनको यहाँ पे ग्रो करा। और एक्चुअली ऐसी ये ऐसा प्लांट था कि टैक्ट एज ए इन्वेसिव इतना ज़्यादा इसने ग्रो किया कि बाकी के दूसरे प्लांट्स को उनकी ग्रोथ को ही ख़त्म कर दिया, उनको एलिमिनेट ही कर दिया। तो इस तरह की एग्जोटिक स्पीसीज थी, जो बाहर से लाई गई कोई स्पीसीज थी, जो नेटिव ना हो, जो अपनी लोकल ना हो, तो वो सुंदरता के बजाय इसने तो बिल्कुल अपना एक टेरर सा मचा दिया। तो इसके इसकी प्रोपेगेशन के बेसिस पे इस पे एक क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने, स्कॉर्स ऑफ वाटर बॉडीज, कि वाटर बॉडीज जो है वो बिल्कुल दिखती नहीं है। ऐसा ये प्लांट है जब ये ग्रो कर जाता है तो पूरा एरिया स्प्रेड कर देता है और फिर मूवमेंट ही बंद हो जाती है, मतलब बड़ा ही कम दिखता है वो पानी का एरिया जो है, वो इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं, मतलब डे में और एक वीक में इतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जाती है कि यही दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। और ये प्लांट है क्या, वाटर हायसिंथ बोलते हैं इसको, पानी वाला प्लांट, पानी में ग्रो करने वाला, आइकॉर्निया क्रेसिप्स इसका नाम है। ये क्या करता है, इन्वेसिवली इतना ज़्यादा ग्रो करता है कि बाकी के दूसरे प्लांट्स को वहाँ पे नरिशमेंट नहीं करने देता, उनको ग्रो ही नहीं करने देता, उनकी डैमेजिंग होती चलती है, उनको ख़त्म करते चलते हैं, और साथ में अपना एरिया इतना मैट की तरह स्प्रेड कर लेता है कि एक तो लाइट को, जो लाइट पड़ रही है सनलाइट उसको रोक लेता है, साथ में दूसरे ग्रोइंग प्लांट्स को ख़त्म कर देता है, वो नहीं ग्रो कर पाते। अब वो उनकी जो डिसइंटीग्रेशन वहाँ पे होनी शुरू होती है, उसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, तो ये ऑक्सीजन का लेवल भी कम करता चलता है। इस ऑक्सीजन के लेवल, जो पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ जो पाए जाने वाली फिशेज हैं दे स्टार्ट टू गो डाई, वो ख़त्म होनी, किल होनी शुरू हो जाती है। तो ये इस तरह से नुकसानदायक है और इस तरह से इसने नुकसान पहुँचाया।
तो ये जो एक एग्जांपल था हमने बीच में ये डेंसिटी प्रोपेगेशन का लिया, तो आप इसका इसका अलग से ध्यान रखें, इसको कई बार दो नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए भी ऐसा पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगा और बड़ा आसानी से इससे हम गेट रिमेडी नहीं पा सकते, मतलब इसको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता कि इसको हटा दें एकदम से, वैसा नहीं होता, तो इसके लिए भी टाइम लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको हटाना, इतना ज़्यादा स्प्रेड कर चुका होता है। ये थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स, उनके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात कर रहे थे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपने वो देख लिया कि हम सेम पेरेंट की भी बात कर रहे थे, सेम इंडिविजुअल्स की भी बात कर रहे थे और डिफरेंट इंडिविजुअल्स की भी बात कर रहे थे। डिफरेंट इंडिविजुअल की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने दो ऑपोजिट सेक्स की बात करी थी, मेल और फीमेल की, मेल और फीमेल। मेल में हम मेल पेरेंट मान रहे थे फादर और फीमेल पेरेंट मान रहे थे मदर। तो यहाँ से आने वाले जो दो इंडिविजुअल गैमीट्स थे, स्पर्म और ओवम, वो फ्यूज करते हैं और वो सिनगैमी आपको मैंने बताया था उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद उसको एम्ब्रियो और फर्दर वो डेवलप कर जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह से डिफरेंट इंडिविजुअल्स ये हुए। और सेम इंडिविजुअल में एग्जाम्पल हम फिर से अगर मैं आपको बताऊँ तो सेम इंडिविजुअल क्या क्या था एग्जाम्पल, अर्थवर्म बस बेस्ट एग्जाम्पल, एज वेल एज अगर हम लीच की भी बात करें तो उसमें भी ये दोनों ही सेक्सेस होते हैं। अर्थवर्म की अगर बात करें तो ये बाइसेक्सुअल होता है और इसको हर्मोफ्रोडाइट भी बोलते हैं। ये हुआ सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में होने वाले दोनों ही सेक्सेस, ये बाइसेक्सुअल हुआ। तो इसके अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें कुछ फेजेस आते हैं, इसमें कुछ वो क्या फेजेस हैं वो फेज आपको मैं बताता हूँ, हम इनको डिस्क्राइब भी करेंगे। एक फेज है जुबेनाइल फेज, दूसरा फेज है रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा फेज है सेंसेंट फेज। अब जुवेनाइल फेज क्या है, अगर हम एनिमल्स में बात करें तो ये वो फेज है जब कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म क्या है, लगभग मेल की अगर हम बात करें तो 13 से 15 साल तक की एज के जो मेल है वो ग्रो तो जरूर करते हैं बट वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्टिवली इतने मैच्योर नहीं होते कि वो स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस कर पाए, दे आर रेडी फॉर रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन पर्पसेस, उसके लिए वो रेडी नहीं होते। इससे पहले की जो फेज होती है उस फेज को बोलते हैं जुवेनाइल फेज, ये होती है जुवेनाइल फेज, जब तक वो रिप्रोडक्टिवली इतने मैच्योर ना हो कि वो स्पर्म्स और ओवम प्रोड्यूस कर पाए, ग्रो वो करते हैं, हाइट बढ़ जाती है, सब कुछ हो जाता है बट इस तरह से वो मैच्योर नहीं हो पाते, इस फेज को जुवेनाइल फेज बोलते हैं। मेल्स में ये 13 से 16 ले लेते हैं, फीमेल्स में 13 से 15 इस तरह से हम इनको ले लेते हैं, ये टाइम पीरियड ले लेते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये जुवेनाइल फेज वहाँ पे टर्म यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं वेजिटेटिव, प्लांट्स में क्या करते हैं टर्म यूज़, वेजिटेटिव टर्म यूज़ करते हैं। तो ये लगभग जो है वो 3 से 5 साल तक का टाइम है, जैसे जैसे अगर हमने कोई बीज लगा दिया तो वो प्लांट लेट ग्रो कर गया, प्लांट जो है वो एक साल में कितना बड़ा हो गया, दो में, तो इतनी जल्दी उसमें फ्रूट आने शुरू नहीं होंगे, इसका मतलब उसको कोई ना कोई टाइम लगेगा। वो तब तक तीन साल चार साल पाँच साल तक का जो टाइम है वो सारा का सारा टाइम इसका वेजिटेटिव फेज है। उसके बाद उसका पार्ट आ गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, मीन्स वो फ्लावरिंग करना जब शुरू करेगा उसके बाद ही वहाँ पे फ्रूट आने शुरू होंगे। तो ये जो फेज हुआ इसमें हम जुवेनाइल फेज यूज़ नहीं करेंगे वर्ड, यहाँ पे वेजिटेटिव फेज यूज़ करेंगे, दिस इज वेजिटेटिव फेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगो है, इस तरह से बड़े सारे एप्पल की भी बात करें तो उनमें भी मिनिमम 4 साल या इतना 5 साल लग जाता है, उसके बाद फ्लावरिंग आती है, फिर वो रिप्रोडक्टिवली वो अगले फेज में चले जाते हैं। तो इससे पहले कि इन फेजेस को वेजिटेटिव फेज बोलते हैं प्लांट्स में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिप्रोडक्टिव फेज। जो रिप्रोडक्टिव फेज है, ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज में अब हम अगले फेज में चलेंगे, जुवेनाइल से अगला फेज, एनिमल्स में जुवेनाइल और प्लांट में वेजिटेटिव। जैसे ही वेजिटेटिव फेज कट हुआ तो नेक्स्ट पार्ट शुरू हो गया रिप्रोडक्टिव फेज, मींस फ्लावरिंग आनी शुरू होगी, और फ्लावरिंग आनी जब शुरू हुई तो दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस द फ्रूट्स। अब जैसे ही फ्लावरिंग शुरू हुई तो ये क्या हुआ, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गया। और अगर एनिमल्स में या किसी और नॉर्मली ह्यूमन बींग में अगर बात करें तो जैसे ही 15 ईयर्स के बाद की जो एज शुरू होगी तो दे आर रिप्रोडक्टिवली मैच्योर, दे आर एबल टू प्रोड्यूस द
स्पर्म्स एंड मेल और फीमेल में ये चीजें वो प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाते हैं, तो ये फेज कौन सा आ जाता है? रिप्रोडक्टिव फेज आ जाता है, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। अब होता क्या है, कुछ प्लांट्स में ये सीजनली भी होता है, सीजनली फ्लावरिंग करते हैं, और इनको हमने क्या किया, कुछ तो थ्रू आउट द ईयर करते रहते हैं, सारा साल करते रहेंगे, और कुछ सीजनल के हिसाब से करेंगे। जैसे एक है एनुअल, दूसरा है बाइनियल, तीसरा है पेरिनियल। एनुअल का मतलब क्या होता है, एक साल में ये प्लांट ग्रो किया और दैट प्लांट प्रोड्यूस द फ्लावर्स विद इन द ईयर, एक ही साल के अंदर, वो 6 मंथ तक का हो सकता है, 8 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ फ्लावरिंग करेगा और उसके बाद फ्रूटनिंग दे देगा, उसके बाद उसमें फ्रूट आ जाएंगे एक साल के अंदर, और दैट ग्रो डाई, उसके बाद वो खत्म भी हो गए। ये प्लांट्स क्या है, एनुअल प्लांट्स, इनको बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स में अगर हम राइस, वीट, ये जो है सब ये एनुअल प्लांट्स में आते हैं। और बाइनियल प्लांट्स कौन से प्लांट्स, जो 2 साल में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करें। अभी हम अगर लगा देते हैं तो ये वेजिटेटिव भी ग्रो कर लेगा, वेजिटेटिवली ग्रो करेगा, इसके स्टेम ब्रांचेस वगैरह लगती रहेंगी, इसके सिर्फ इसमें क्या नहीं आएगा, फ्लोरल पार्ट नहीं आएगा, फ्लावर पार्ट नहीं आएगा, वो फ्लावरिंग जो है वो अगले साल होगी, नेक्स्ट ईयर होगी। नेक्स्ट ईयर जैसे ही फ्लावरिंग हुई, फिर से उस पर फ्रूटनिंग आई और इट कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल, तो ये 2 साल में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेता, तो ये हुए बाइनियल। जैसे अगर हम कैरेट की बात करें या सरसों की भी बात करें, तो ये 2 साल में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं। फिर है पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है कि एवरी ईयर, एक बार हमने ऐसे प्लांट लगा दिए और वो हर साल क्या करेंगे, हर साल फ्लावरिंग करेंगे, हर साल उस पर फ्रूट आएगा, तो ये कौन से प्लांट हुए, पेरिनियल प्लांट्स, जो एवरी ईयर फ्लावरिंग करे, फ्रूटनिंग दे, ये हुए पेरिनियल प्लांट्स। उसके बाद कुछ अनयूजुअल कुछ फ्लावरिंग होती है, कुछ एक ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ बैम्बू। वैसे सिंपली ये ग्रास है, ग्रास वाली फैमिली में आती है, 100 ईयर तक का इसका लाइफ स्पैन होता है, और 100 ईयर पूरे 100 ईयर में 100 साल में एक बार ही ये फ्लावरिंग करते हैं, और एक बार फ्लावरिंग करने के बाद उस पर एक ही बार फ्रूट आता है, और फ्रूट आने के बाद दे गॉट डाई, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, क्लियर। दूसरा एग्जांपल हमने लिया है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो है वो ये वेस्टर्न घाट्स जो इंडिया में है हमारे, वहाँ पे ये नीलगिरी हिल्स आपने अगर सुना हो तो वहाँ पे ये नीला कुरंजी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी हिल्स में मतलब ब्लू पर्पलिस कलर के इसके फ्लावर होते हैं, और ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं। अभी लेटेस्ट इसकी जो फ्लावरिंग थी वो 2018 में हुई थी अक्टूबर में, तो अब जो फर्दर होगी तो आप अंदाज़ा लगा लो कि अगले 12 सालों के बाद होगी, क्लियर, इतना पता लग गया आपको। इसके साथ हम अगर एनिमल्स में ये चीज़ डिस्कस करें, तो एनिमल्स में 2 तरह के हम एनिमल्स की बात करते हैं, एक हैं प्राइमेट्स, दूसरे हैं नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स। इनमें क्या होता है, जो साइक्लिकल चेंजेस आती हैं, रिप्रोडक्टिवली जो चेंज आते हैं, रिप्रोडक्टिवली चेंज का मतलब जो ओवम प्रोडक्शन का एक साइकिल चलता है उसको रिप्रोडक्टिवली रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं, उस साइकिल के ड्यूरेशन में जो चेंजेस आते हैं इन नॉन प्राइमेट्स में, उसको बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। क्या बोलते हैं उसको, ईस्ट्रस साइकिल। वो एक पीरियड होता है जब ये एग प्रोड्यूस करते हैं और वो ब्लीडिंग वगैरह ये जो फेज होता है उसको हम ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, और इनमें एग्जांपल्स रहते हैं गौ, शीप, गोट, बफेलो, ये सब इसमें एग्जांपल्स आते हैं, किन में, नॉन प्राइमेट्स में। और दूसरा है प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में यही रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है इनको किस नाम से बुलाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनको किस नाम से बुलाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से बुलाते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जो ह्यूमन बींग की अगर हम बात करें तो 28 और 29 दिन का होता है, और पूरा एक टाइम पीरियड चलता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एग प्रोडक्शन होगी, फिर रिलीज होगा एग, और उसके साथ साथ ब्लीडिंग फेज आएगा, ब्लीडिंग फेज के बाद फिर से ये कंप्लीट होने के बाद अगला साइकिल शुरू होगा, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये भी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे इलैबोरेटेड प्रॉपरली। इनमें एग्जाम्पल्स हैं मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स, इन सब में ये इस तरह से ये साइकिल चलता है। फिर है अगला फेज सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज वो फेज है जिसमें जो इंडिविजुअल है दे आर लूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अब वो इतने काबिल नहीं है कि रिप्रोड्यूस कर पाए,
तो दे आर ग्रोइंग ओल्ड एंड लूजेस द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करने की अपनी एबिलिटी को खत्म कर देते हैं। तो इसमें होता क्या क्या है, दे आर स्लोइंग डाउन देयर मेटाबॉलिज्म, इसमें मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं, ब्रेकडाउन और सिंथेसिस जो प्रोसेस होते हैं, ये बिल्कुल स्लो डाउन हो जाते हैं, कम होते जाते हैं एज के बढ़ने के हिसाब से, और अल्टीमेटली दैट लीड्स टू डेथ। अल्टीमेटली वो डेथ के लिए, विच मीन्स उनके उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। आई होप कि आपको ये थोड़ा प्रॉपरली पता लग गया होगा। अगला अब पार्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमें उससे पहले ये जो चीज़ें थी वो देखनी जरूरी थी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था। तो अब हम बात करते हैं वो क्या इवेंट्स हैं, पार्ट्स जो जरूरी इवेंट है जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड, वो है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, फिर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या आता है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि गैमेट होते हैं, सिनगैमी, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो अगला फेज आता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला हमारा पार्ट था प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले। तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो मेन बातें यहाँ पे आती हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं, एक है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। तो सबसे पहले बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मतलब गैमेट, ये गैमेट, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, बनना, गैमेट्स का बनना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और सिंथेसिस ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, इसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब दो तरह से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक है होमोगैमेट, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, होमो मतलब सेम, गैमेट मतलब सिमिलर, सेम गैमेट, गैमेट मतलब स्पर्म और ओवम, एंथेरोजोइट्स भी बोलते हैं स्पर्म्स को और ओवम। फॉर एग्जांपल एल्गी की अगर हम बात करें तो इसमें, जैसे क्लेमाटोमोनास की बात करें तो इसमें गैमेट्स कैसे हैं, होमोगैमेट, कैसे हैं, होमोगैमेट, सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। उसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, हेटरोगैमेट, हेटरो मतलब डिफरेंट, गैमेट सब अलग अलग हो गए, डिससिमिलर, स्पर्म और ओवम। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात करें, स्पर्म की शेप डिफरेंट है और ओवम की शेप डिफरेंट, देखो राउंडेड शेप और इसकी हेड नेक और ट्रंक की टेल, ये हेड नेक और मिडिल पीस और टेल, ये हुए किसमें, हेटरोगैमेट, ह्यूमन बीइंग्स फॉर एग्जांपल। अब एक चीज इसमें और आती है, ये हमें यहाँ पे हम बता देते हैं, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें सेक्सुअलिटी किस तरह से हम बात करेंगे। जैसे नॉर्मली हमें पता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज फॉलोड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्या होता है इसमें, हमें ये पता लग गया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन की वजह से होता है, बट फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये भी हमने बात करी है, इसमें डिफरेंट इंडिविजुअल से आने वाले गैमेट्स जो वो फ्यूज करते हैं, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बोलता ये हमेशा ठीक नहीं है, क्यों, बिकॉज क्यों, अर्थवर्म लीचीज एक्सेट्रास, अर्थवर्म में क्या है, वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम इंडिविजुअल है, एंड दैट कंटेन्स बोथ द सेक्सेस, मेल भी और फीमेल भी, उसमें मेल भी और फीमेल भी है, दे आर ऑल्सो नोन एज हर्माफ्रोडाइट, उसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं और वो बायसेक्सुअल भी होते हैं, क्लियर, उसके लिए टर्म यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल। और प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो प्लांट्स में कैसे बात करेंगे, दे मे हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, उनमें भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट्स में भी, इन सम प्लांट्स दे आर बायसेक्सुअल, कुछ बोलता बायसेक्सुअल है और कुछ कुछ सेम प्लांट्स हैं, बोलता जैसे बायसेक्सुअल है या डिफरेंट प्लांट्स है यूनिसेक्सुअल है। इनमें दो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक है होमोथेलिक
स्ट्रक्चर्स, और इनको ही हम बोलते हैं मोनोइसियस। आपने इनका ध्यान देना है, होमोथेलिक, यहाँ पे हम फंजाई एक टर्म यूज कर रहे हैं, फंजाई फंगस, फंगस में होमोथेलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही स्ट्रेन होते हैं, दोनों ही पार्ट होते हैं। जैसे ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल भी पार्ट हो फीमेल पार्ट भी हो, उनको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, और उनको हम मोनोइसियस भी बोलते हैं, उस कंडीशन को बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। और ये मोनोइसियस में क्या है, जैसे पी है, बरिंज लाइन में क्या है, दोनों सेक्सेस मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी दोनों ही है, तो ये कैसे हुए, मोनोइसियस प्लांट्स हुए। और फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई में अगर हम बात करेंगे मशरूम है, दोनों ही है, मशरूम में क्या है, दोनों ही सेक्सेस है, मीन्स होमोथेलिक है वो। जो हम मशरूम खाते हैं, मशरूम एगेरिकस, एगेरिकस कंपेस्ट्रिस जो है वो जो हम खाते हैं एडिबल, जो हमारी मशरूम होती है जो मार्केट में मिल जाती है, वो क्या है, वो एक फंगस है, और उस दैट इज होमोथेलिक। उसमें मेल और फीमेल दोनों ही स्ट्रेन्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं गैमेट एंजल अपने कॉन्टैक्ट की वजह से, फर्दर वो जायगोट बनाते हैं और आगे की डेवलपमेंट उनकी वहाँ से चलती है। और उसके बाद ये तो हो गया होमोथेलिक और मोनोइसियस सिमिलैरिटीज प्लांट्स और फंगस की। अब दूसरा क्या है इसमें, हेट्रोथेलिक और डायोसियस। हेट्रोथेलिक का मतलब हुआ डिफरेंट, मतलब ऐसी कोई फंगस जिसमें मेल अलग से है और फीमेल स्ट्रेन अलग से है, और इनको प्लस और माइनस के हिसाब से भी मान लेते हैं, प्लस हम मेल स्ट्रेन को मानते हैं और माइनस जो है वो फीमेल स्ट्रेन को मानते हैं। मान लेते हैं कि एक ऐसे कोई स्ट्रक्चर आया ये फंगस का, इसको हमने प्लस मान लिया, और दूसरा ये आया फीमेल माइसीलियम का माइनस, इसको बोलते हैं फीमेल और इसको बोलते हैं मेल। ये जब ज्वाइन करेंगे आपस में तो ये हो जाएंगे हेट्रोथेलिक, और ये फर्दर फिर अपना रिप्रोडक्शन करेंगे। हेट्रोथेलिक में एग्जांपल हम लेंगे राइजोबस का, किसका एग्जांपल लेंगे, राइजोबस जो है वो हेट्रोथेलिक है। राइजोबस आपने देखो ना ब्रेड वगैरह पे ग्रो करती है, राइजोबस जो हमारी सिंपली जो घर पे ब्रेड होती है उस ब्रेड पे ग्रो करती है, वो वाइट सी बाद में ब्लैक हो जाती है वो मैच्योर होने के बाद। तो ये हुई हेट्रोथेलिक। और डायोसिस का मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैविंग सिंगल सिंगल सेक्सेस, मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल अलग से हो फ्लावर्स और फीमेल अलग से हो, एक प्लांट में सिर्फ मेल ही फ्लावर होंगे, दूसरे प्लांट में सिर्फ फीमेल ही फ्लावर होंगे, तो उनको किस किस नाम से बुलाते हैं, स्टेमिनेट, स्टेमिनेट का मतलब दे कंटेन द मेल फ्लावर्स, और पिस्टिलेट का मतलब सिर्फ फीमेल फ्लावर्स। और ये एग्जाम्पल इनमें क्या आएंगे, कुकरबिट्स, कुकरबिट्स मतलब सारी घिया को दूध वाली जो बेलें हैं, इनमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, और कोकोनट नारियल जो होता है उसमें भी ये मेल फीमेल अलग अलग से होते हैं। यहाँ तक आपको पता लग गया होगा, समझ आई होगी अच्छे से, आई होप अच्छा पता चल रहा होगा आपको। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो ये गैमेटोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं, उसी बात को लेके हम इसमें एक पॉइंट आ रहा है हमारा, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, बोलता किस तरह से होता होगा, सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड करने के बाद कोई तो पार्ट होता होगा जो फिर फर्दर चेंज होता होगा, वही सेल के कुछ पार्ट हैं जो गैमेट बनाने में हेल्प करते हैं, तो हम उसी बात को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मेल और फीमेल दोनों ही हैप्लोइड गैमेट्स हैं, दे मे बी अराइज फ्रॉम द हैप्लोइड पार्ट और डिप्लोइड पार्ट, मीन्स हैप्लोइड पेरेंट से भी बन सकते हैं वो, आ सकते हैं बन के, और डिप्लोइड पेरेंट से भी बन के आ सकते हैं। इसकी हम बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, सेल डिविजन्स किस तरह की होती है जब गैमेट बन रहे होते हैं। हमने ये बोला कि हैप्लोइड गैमेट की फॉर्म्स हम हैप्लोइड, हैप्लोइड का मतलब सिंगल क्रोमोसोम नंबर होता है। अगर हम बात करें अपनी मेल ह्यूमन बींग्स की, तो मेल में भी सिंगल एंड 23 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में भी सिंगल एंड 23, और जब दोनों मिलते हैं तो फिर 46 बनते हैं, 46। इनका ओरिजिन कहाँ से, कैसे, किस तरह से अराइज करते होंगे, दे मे अराइज फ्रॉम द हैप्लोइड पेरेंट बॉडी या डिप्लोइड पेरेंट बॉडी, डिप्लोइड पेरेंट बॉडी, ये हम ये देखेंगे किन में, किन में, ह्यूमन बींग्स में नहीं हम बात कर रहे हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा था। अब हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी पेरेंट्स हैं जो हैप्लोइड है, मोस्टली प्लांट्स में होता है, और वो फिर
हैप्लोइड ही गैमेट भी बनाए। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक हैप्लोइड पेरेंट कौन से हैं वो, ये हम बात कर रहे हैं। हैप्लोइड पेरेंट दे प्रोड्यूस द गैमेट्स विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस मतलब ऐसी सेल की डिवीजन होती है जब ये अपनी डॉटर सेल्स बनाती है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर बराबर रहता है। ये आपने प्लस वन का जो सेल डिवीजन का चैप्टर है वहाँ पे पढ़ा होगा, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा आइडिया मैं आपको यहाँ पे भी देता रहूँगा, कोई बात नहीं। आप एक आध बार उस चैप्टर को प्लस वन की बुक लेके थोड़ा इलेबोरेट देख लें ताकि आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझ आए, फिर आपको मज़ा भी आएगा इस चीज़ का। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो, कोई चक्कर नहीं, किसी बात की कोई मुश्किल नहीं। ये जो गैमेट्स बन रहे हैं माइटोसिस के थ्रू, मतलब माइटोसिस हमेशा ही इक्वेशन और डिवीजन होती है, बराबर डिवीजन होती है। पेरेंट सेल का नंबर अगर 46 है तो 46 ही चलेंगे, और अगर मान लेते हैं कि किसी प्लांट का सेल का टोटल नंबर है 30 तो उनके हर सेल में ही 30 ही चलेगा, माइटोसिस ही है। ये किन में इस तरह से होती है। हैप्लोइड पेरेंट्स होते किसमें, मोनरा में, मोनरा मतलब बैक्टीरिया वगैरह में, एल्गी, कुछ एल्गीज हैं जैसे अगर प्लेमाडोमोन से इस तरह के, और एल्गीज की बात करें ब्रायोफाइट्स स्मॉल अर्लियर प्लांट्स हैं, फंजाई हैं कुछ, इनमें सब में बोलता क्या होता है, दे हैव पेरेंट्स हैप्लोइड एंड दे प्रोड्यूस द हैप्लोइड गैमेट्स। उसके बाद डिप्लोइड पेरेंट, डिप्लोइड पेरेंट्स में क्या है, दे आर प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स, वो गैमेट बना रहे हैं डिप्लोइड पेरेंट बट विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। किससे, मियोसिस। ये आपको ध्यान रखना है कि हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, मियोसिस की कर रहे हैं। तो रिडक्शन डिवीजन होता है मियोसिस, पेरेंट सेल फ्रॉम द डॉटर सेल्स विच कंटेन्स द हाफ द क्रोमोसोम नंबर। तो ये अगर 2n से चलता है पेरेंट सेल तो ये सिंगल एन में टूटते हैं। अगर मान लेते हैं कि 30 नंबर है कहीं पे 2n तो सिंगल एन क्या रह जाएगा, 15 रह जाएगा। तो ये है मियोसिस। ये किन में फॉर एग्जांपल इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, उनमें भी, हमें भी जो हमारे पूरे बॉडी सेल्स हैं वो 2n नंबर रहता है क्रोमोसोम का। और हम म्योसिस के लिए जाते हैं और म्योसिस के थ्रू जो हमारे टर्मिनल सेल्स हैं जो टेस्टिस में मेल्स में होते हैं और फीमेल्स में ओवरी में होते हैं, वहाँ वो डिवीजन के लिए जाते हैं और वो ओवम बनाते हैं। तो वहाँ पे वो हाफ द क्रोमोसोम नंबर रह जाता है उसके पास। अगर मेल में स्पर्म्स बनते हैं तो उनमें भी सिंगल एन रह जाता है, दैट इज हाफ द क्रोमोसोम नंबर। और किन से ये बनते हैं, उन सेल्स को मियोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, मियोसाइट्स बोलते हैं, या गैमेट मदर सेल, उन सेल्स को गैमेट मदर सेल भी बोलते हैं या मियोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका नंबर डिप्लोइड होता है, मींस 2n नंबर होता है इनका, 2n क्रोमोसोम नंबर होता है। और जब ये डिविजन्स के लिए जाते हैं, मियोटिकली डिवाइड करते हैं, तो सिंगल एन रह जाता है। आई होप आपको ये पता लग रहा होगा अच्छे से। इनमें एक जिम्नोस्पर्म में दो एग्जाम्पल्स हैं, एक पाइनस का और दूसरा साइकस का। देखो बड़ा ध्यान से आपने देखना है, पाइनस चीड़ के जो पेड़ है इसमें मेल और फीमेल कॉर्न्स आपको दिखते हैं बड़े सुंदर से। डायग्रामेटिकली भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो दिखाऊं। मेल और फीमेल कॉर्न्स, उनको बोलते हैं मेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल स्ट्रोबिलाई, एक ही प्लांट के होते हैं। तो क्या सा प्लांट हुआ ये, मोनोसियस की डायोसियस, मोनोसियस। ये कैसा प्लांट हुआ, मोनोसियस प्लांट हुआ और ये बाइसेक्सुअल हुआ। कैसा हुआ, ये बाइसेक्सुअल हुआ और मोनोसियस प्लांट हुआ जिसमें दोनों ही सेक्सेस है, मेल भी और फीमेल स्ट्रोबिलाई भी है। दूसरा है साइकस। अब साइकस में दोनों ही डिफरेंस आ गए, एक मेल स्ट्रोबिलाई और दूसरा फीमेल स्ट्रोबिलाई, दे आर ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। मेल स्ट्रोबिलाई एक प्लांट पे होगी और फीमेल स्ट्रोबिलाई दूसरे किसी प्लांट पे होगी, जिसका मतलब कैसे हुए, डायोसिस हुए, अलग अलग मेल फीमेल, क्लियर। तो ये हुए यूनिसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल नहीं हुए। तो दोनों ही जिम्नोस्पर्म्स थे पर दोनों में इतना ज़्यादा ये डिफरेंस था। ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, फिर भी कहीं आपको पता नहीं चलता है, यू कैन फ्रीली आस्क। उसके बाद कुछ अगर फंजाई की बात करें तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि होमोथैलिक जो हैं जिनमें दोनों ही मेल और फीमेल स्ट्रेन्स, मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं जो मेल फीमेल गैमेट बनाते हैं, होमोथैलिक है वो। और इनका जो ये आपस में ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन बोलते हैं उसको। और हेटरोथैलिक अगर बात करें, मेल और फीमेल दो अलग अलग स्ट्रेन, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी दिखाया था, वो अलग अलग स्ट्रेन होते हैं फिर मिलते हैं आपस में।
और इसी को लेकर अगर एग्जाम्पल दें एनिमल्स का, तो अर्थवर्म इज द बेस्ट एग्जाम्पल, विच इज बायसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। इनमें आपको एक डायग्राम यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि दिखाऊं। ये जो पाइनस का मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा था, ये होते हैं मेल कॉन्स और ये है फीमेल कॉन्स, एक ही प्लांट पे है। तो इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या? मोनोसियस बायसेक्सुअल। ऐसे ही साइकस की भी एग्जाम्पल उसको बताता हूँ। ये साइकस का एग्जाम्पल था जिसमें मेल स्ट्रॉबेरी अलग से है, फीमेल स्ट्रॉबेरी अलग से, तो प्लांट ही अलग अलग है, जिनको हम क्या बोलते थे? अब ये हो गए डायोसिस, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, मेल अलग से फीमेल अलग से। ये थे एग्जाम्पल जो आपको मैंने अभी बताए थे। गैमेटोजेनेसिस में हम डिस्कस कर रहे थे, अब इसका पार्ट था गैमेट ट्रांसफर। इससे पहले हमें देख लिया कि गैमेट्स किस तरह से बनते हैं, अब उनका ट्रांसफर होना जो है वहाँ से एक मीन्स, अगर कहीं वो मेल पार्ट में बन रहे हैं और गैमेटोजेनेसिस में हमने देखा किस तरह से गैमेट्स बने, पूरा प्रोसेस हमने देखा। अब हमारा फर्दर अगला रोल क्या है गैमेट ट्रांसफर्स का? ये तो हमने देख लिया कि गैमेट बन गए, अब उनको जाना है तो वो जो मेल गैमेट्स हैं उनको फीमेल पार्ट तक पहुंचना है, फिर उनको वहाँ पे ज्वाइन करना है, जिसको हम सिनगैमी की बात कर रहे थे, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे। गैमेट ट्रांसफर में किस किस तरह से, कौन कौन से टाइप के ऐसे प्लांट्स हैं या ऐसे एनिमल्स हैं जहाँ पे किस तरह से वो पॉसिबल हो पाता है कि वो पहुँचे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो पाए? सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीज में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। इनके लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, वो मीडियम क्या है? वाटर। इनके लिए एक मीडियम है जो चाहिए होता है, वाटर, पानी की जरूरत रहती है इसके लिए। विदाउट वाटर ये जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल पार्ट तक नहीं पहुंच पाते, जहां पे भी ओवम रहते हैं। तो वाटर इज रिक्वायर्ड टू कैरी द मेल गैमेट्स अप टू द फीमेल गैमेट। इसके केसेस में जो मैक्सिमम मेल गैमेट्स हैं दे कांट रीच अप टू द फीमेल पार्ट, मैक्सिमम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि वो वाटर कैरी कर रहा है, वाटर रन करंट में वो मूव कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम कहाँ? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब नेचुरल कंपनसेशन कैसे हो रहा है? इनका नंबर ही हजारों में, ये प्रिपेयर ही थाउजेंड्स में हो रहे हैं, ताकि अगर ये कहीं लॉस भी हो जाते हैं तो कंपनसेट हो जाएंगे। तो बहुत कम है जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाते, जो नहीं पहुंच पाते उसको कंपनसेट करने के लिए नेचुरली उनका नंबर हजारों में हो जाता है। तो इस तरह से ये थाउजेंड में प्रोड्यूस होके कंपनसेट होके और ये कुछ फीमेल्स अपने जो पार्ट हैं वहाँ पे मूव कर जाते हैं। ऐसा ये इस तरह से गैमेट ट्रांसफर का एक वे आउट है। दूसरा वे आउट क्या है? इन सीड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स लगते हैं, सीड बनते हैं, वो जो फ्रूट्स के अंदर सारा मटेरियल तैयार होता है, इनमें क्या है? इनमें कुछ मोटाइल गैमेट नहीं है, मतलब मूवेबल गैमेट नहीं है, इनको कौन लेके जाएगा? द गैमेट्स आर कैरिंग बाय पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन के अंदर, ये एक पोलन ग्रेन है, इसके अंदर ये इसका अपना न्यूक्लियस है, इट डिवाइड्स एंड फॉर्म द अनदर सेल, जनरेटिव सेल, और ये एक इसके बाद ये फिर मेल गैमेट में डिवाइड करते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन इज कैरियर ऑफ मेल गैमेट, इट हैव टू कैरी द मेल गैमेट। अब ये यहाँ से पहुँचेंगे कैसे? यहाँ पे भी कुछ एजेंसीज हैं,
वो एजेंसी एयर हो सकती है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं और कुछ दूसरे एनिमल्स हो सकते हैं। एयर करंट इसको भाग के यहां से ले गया मेल पार्ट से, जहां पे बन का रहे थे ये बन रहे थे एंथर्स में। कहां पे बन रहे थे? कौन? पोलन्स। पोलन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एंथर्स, जो मेल पार्ट होते हैं एंथर्स वहां पे बनते हैं, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल देते हैं। यहां पे बनते हैं इनको, फिर यहां से ये रप्चर होने के बाद निकलते हैं, तो दे आर कैरिंग द मेल गैमेट। मेल गैमेट इनके अंदर ही बनते हैं, तो ये निकल जाते हैं हवा के द्वारा और इंसेक्ट्स में से हनी बी या और दूसरी बी होती हैं बड़ी सारी, और भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स और भी हैं जो जब भी फ्लावर्स पे बैठते हैं तो इनकी टांगों से ये मैक्सिमम चिप जाते हैं, और ये जब दूसरे फीमेल पार्ट पे, फ्लावर के फीमेल पार्ट पे पहुंचते हैं, चाहे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो चाहे वो यूनिसेक्सुअल हो, तो उनकी टांगों से ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये जो ट्रांसफेरेंस है ऑफ द पोलन्स फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। उसको क्या बोलते हैं? पोलिनेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पोलन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का स्टिग्मा पार्ट तक, फीमेल पार्ट तक पहुंचने की प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। और अब एंथर से निकल गए, वहां तक पहुंच गए, एंड देन दे आर रीच्ड अप टू द एग पार्ट। वो एग पार्ट कहाँ पे है? ओव्यूल में। ओव्यूल में जाके वो एग को ज्वाइन करता है, और एग को ज्वाइन करता है तो इस के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं सिनगेमी। जहाँ पे ये मेल गैमेट ये था, ये मेल गैमेट था, ओवम के साथ ओव्यूल के अंदर ज्वाइन किया, इस दोनों के ज्वाइनिंग को बोलते हैं सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन, विच फॉर्म्स द जायगोट। ये बन गए जायगोट, और जायगोट फर्दर चेंज इनटू एम्ब्रियो, उसके बाद ये एम्ब्रियो बना देता है। ये तो हो गया फ्यूजन ऑफ गैमेट, जब गैमेट ज्वाइन कर गए, इसको सिनगेमी बोला हमने, इसी को फर्टिलाइजेशन बोला। अब एक क्वेश्चन यहां पे ये आता है, व्हाट वुड हैपन इफ सिनगेमी डज नॉट अकर? क्या होगा अगर सिनगेमी ना हो, फ्यूजन ऑफ गैमेट ना हो? क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी होता है कुछ एक एनिमल्स, उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और ये किन में होता है? रोटिफर्स में, हनीबी में, कुछ लिजर्ड्स हैं, छोटी स्मॉल लिजर्ड्स हैं, वर्स में, जिनमें टर्की आते हैं। इनमें क्या होता है? जो एग होता है, एग डायरेक्ट डेवलप कर जाता है इनटू न्यू इंडिविजुअल। किसमें? नया इंडिविजुअल बन जाता है। एग डायरेक्टली डेवलपिंग इनटू न्यू इंडिविजुअल विदाउट ज्वाइनिंग विद मेल गैमेट। किसी भी मेल गैमेट को ज्वाइन नहीं कर रहा है वो, ऐसे एग था। ओके, ये क्या कर गया? ये इसमें डिवीजन चल पड़ेंगे, और ये डायरेक्ट एम्ब्रियो, और फिर न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो गया। इसमें एक चीज तो हुई नहीं, फ्यूजन ऑफ गैमेट तो हुआ नहीं, मेल के साथ तो ज्वाइन किया नहीं, इसका मतलब क्या चीज लैग कर गया? ये फर्टिलाइजेशन। नो फर्टिलाइजेशन इज देयर, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं। इस प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच एग is directly developing into new individual, वो नए individual में develop कर जाता है, उस process को parthenogenesis बोलते हैं। और ये rotifers में, honeybees में, some lizard हैं छोटी छोटी उनमें, और कुछ birds हैं turkeys उनमें होता है ये process। clear? उसके साथ एक और छोटा सा एक क्वेश्चन आता है बीच में, वेयर डज सिनगेमी अकर? सिनगेमी होती कहां कहां? ये जो फ्यूजन ऑफ गैमेट है ये कहां कहां होते हैं? अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके वो बॉडी के अंदर ये सिनगेमी नहीं हो पाती है, तो वो कहीं बाहर होती होगी। अगर सिनगेमी बॉडी के बाहर होती है, कहीं वाटर में, कहीं भी, अगर ये बाहर होती है तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कहां हुई? बाहर। तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये किन में होती है? मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो ज्यादातर पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बाहर होती है।
मेजोरिटी ऑफ एल्गीज हैं, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, इनमें क्या है, सिनगैमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक चीज यहाँ पे और देखने को ये मिलती है, अब यहाँ जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं दे आर वल्नरेबल, उनके लिए खतरा रहता है, दे आर थ्रेटन्ड। थ्रेटन्ड क्यों है, क्योंकि ये बाहर ओपन है, यहाँ पे इनकी कोई केयर नहीं हो रही है, दे आर अटैक्ड बाय द प्रेडेटर्स। क्या ये प्रेडेटर्स अटैक होते रहते हैं, बड़े कम नंबर हैं जो एडल्ट में चेंज हो पाते हैं। ये कारण है कि इनमें सर्वाइवल जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जो नंबर है वो एडल्ट में चेंज होने का नंबर कम हो जाता है, बिकॉज दे आर बींग अटैक्ड बाय द प्रेडेटर्स, प्रेडेटर इनको खा जाते हैं। ये कारण इनका है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के बाद इनके जो फिर एम्ब्रियो बनते हैं, फिर वो उनको सर्वाइवल थोड़ी सी यहाँ पे इस तरीके से मुश्किल रहती है। दूसरा केस, अगर सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट कहाँ हो, इन साइड द बॉडी हो, अगर बॉडी के अंदर हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये किन में पॉसिबल होता है, इट अकर्स इन मैक्सिमम मैनी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो लैंड पे पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, प्लांट्स है या एनिमल्स है, उनमें जो फर्टिलाइजेशन है कहाँ हो रही है, सिनगैमी कहाँ पे हो रही है, इन साइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, रेप्टाइल्स, वर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसको बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। अभी हम देख रहे थे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, जब सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट जो है वो बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने अभी बोला, वो हम बात कर रहे थे। अब एग जो है वो दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड द स्टेबल बॉडी, ऐसी जगह बन रहा है वो, वहां पे मूवमेंट नहीं हो रही उसकी, एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी वेयर इट फ्यूजेस विद द स्पर्म और मेल गैमेट, स्पर्म या मेल गैमेट से वो फ्यूज कर रहा है, ये मोटाइल हो सकता है, मींस मूवेबल हो सकता है और एग तक पहुंच सकता है किसी भी तरीके से। एक तरीका हमने पीछे देखा था, पोलन ग्रेन्स एयर से आ रहे थे या इंसेक्ट्स उनको कैरी करके लेके आ रहे थे, ये एक तरीका और है, वो है नॉन मोटाइल, जो मूव नहीं करते, उनको लेके आने वाला कोई ना कोई चाहिए, या तो एयर करंट की बात की थी हमने या इंसेक्ट्स की बात की थी, ये ध्यान रखना आपने। इसके बारे में भी डिटेल्ड स्टडी जो है वो अगले नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, फिर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में भी आएगी। तो दे आर कैरिड बाय द क्या, पोलन ग्रेन, इनको लेके कौन आता है, पोलन ग्रेन कौन, मेल गैमेट, मेल गैमेट इज कैरिड बाय द पोलन ग्रेन बिकॉज इट इज नॉन मोटाइल, ये नॉन मूवेबल नहीं है, तो इसको वहां तक, एग तक पहुंचाने के लिए रोल प्ले कौन करता है, पोलन ट्यूब, तो पोलन ट्यूब इज फर्दर कैरियर ऑफ मेल गैमेट अप टू द एग, वो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली आपको दिखाने की कोशिश की है। ये है फीमेल पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम पिस्टिलेट भी बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी, जो पोलन ग्रेन था वो यहाँ सेट ओवर हो गया, एयर ने इसको यहाँ तक पहुँचाया या कोई इंसेक्ट ने यहाँ तक पहुँचाया, जिसके अंदर ये जनरेटिव और एक न्यूक्लियस है, दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस जो वो एक ट्यूब न्यूक्लियस तो डिजनरेट कर जाती है, बाद में जो दूसरी न्यूक्लियस है जनरेटिव वो फर्दर डिवाइड करती है और यहाँ पे न्यूक्लियाई बना लेती है मेल गैमेटिक में। एक मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई जो है वो ये है ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, और दिस होल इज नोन एज ओव्यूल। तो यहाँ पे एक सेल है, ये इसके सिनर्जिड्स हैं और ये ऑपोजिट सेल एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई रहती है, इसकी डिटेल भी हम बाद में ही देखेंगे अगले चैप्टर में। तो यहाँ पे एग सेल है, एग सेल तक इस तरह से मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई कौन पहुंचा रहा है, ये है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब निकली कहाँ से, पोलन ग्रेन से निकली, जैसे इसके ऊपर ये शेड ओवर हुआ सेम स्पीसीज का, तो यहाँ से पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब के रास्ते से ये मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई यहाँ पे डिवाइड हुई और एक मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई जो है वो एग से ज्वाइन कर गई, और जैसे ही इसने यहाँ पे ज्वाइन किया मेल
गैमेट ने क्या बन गया, सिन गैमी, क्या बना ये सिन गैमी, और इसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको ये अच्छे से पता चला होगा। इसके बाद ये जो जायगोट बनता है, जायगोट फिर दैट चेंज इनटू डिप्लोइड मींस टू एंड में, और डिप्लोइड जायगोट जो है फर्दर फिर किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। जो द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट है दैट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो भी ऑर्गेनिज्म है, जिस भी तरह का है, उसके अपने एनवायरमेंट के हिसाब से उसमें चेंजेस आती जाती हैं। चाहे वो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल प्लांट्स के केसेस में हम बात करें अगर, तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है उसका, तो जायगोट डिवाइड करता है मियोसिस के थ्रू, और हैप्लोइड स्पोर्स उसमें बनते हैं, दे ग्रो इनटू हैप्लोइड इंडिविजुअल्स, और हैप्लोइड इंडिविजुअल्स फिर हैप्लोइड गैमेट बनाते हैं, और वो गैमेट फिर क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं एंड दे विल फॉर्म द टू एन बॉडी, वो उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये भी वैसे तो ये प्लस वन की चीज़ें हैं, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा तो बड़े अच्छे से समझाओगे आप। अगर कोई डिप्लोन्टिक है मीन्स टू एन नंबर है, और हैप्लो डिप्लोन्टिक है, हैप्लोइड और डिप्लोइड मीन्स एक बार हैप्लो गैमेट्स बनेंगे और वो गैमेट निकल के जब ज्वाइन करेंगे तो वो बॉडी कौन से बनाएंगे, डिप्लोइड टू एन, और वो चेंज हो जाएगी स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट्स फिर स्पोर्स बनाते हैं, और स्पोर्स जब हवा में फैलते हैं और कहीं भी गिरते हैं तो वो पूरी प्लांट बॉडी वहाँ से निकल आती है। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूटी में चलता रहता है। और जो जायगोट है दे शोज द वाइटल लिंक, ये एक लिंक शो करते हैं किसमें, दे इंश्योर द कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। जो कॉन्टीन्यूटी है स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इनके बीच की जो कॉन्टीन्यूटी है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक, बच्चों तक, अगली जनरेशन तक किस तरह से चलते हैं, ये इंश्योर करके चलते हैं। जो भी सीड बनेगा, सीड बनने से पहले उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट, जायगोट, जायगोट के बाद वो ओव्यूल, ओव्यूल के बाद वो मीन्स एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ओव्यूल में है, और ओव्यूल से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर वो पूरा ओव्यूल मैच्योरेट सीड। तो इस तरह से वो सीड जैसे कहीं ग्रो कर देंगे दैट विल गिव राइज टू प्लांट, होल ट्री, फिर से फ्रूटनिंग। तो ये करेक्टर कैसे चल रहे हैं, देखो इस तरह से करेक्टर चल रहे हैं, सीड के थ्रू प्लांट लग गया, प्लांट के थ्रू फिर उसके फ्रूट आए, तो ये सारे करेक्टर, इसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूटी। तो एक ऑर्गेनिज्म से इस तरह से स्पीसीज टू स्पीसीज मूवमेंट होती जाती है करेक्टरिस्टिक्स की। यहाँ तक ये टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया। इसके बाद अगला अब क्या बनेगा, जायगोट तो हमने देख लिया, फर्टिलाइजेशन तो हमने देख लिया, अब बनते हैं एम्ब्रियो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। इसके दो पार्ट यहाँ पे हैं, एक है सेल डिवीजन, एक है सेल डिफरेंशिएशन। जो एम्ब्रियो में एक सेल को ये है हमारे पास, इट डिवाइड्स एंड फॉर्म टू सेल्स, एंड टू सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म फोर सेल्स। इस तरह से दे फॉर्म द ग्रुप ऑफ सेल्स, इंक्रीज द मास नंबर, इनका यहाँ पे मास बढ़ जाता है, बॉडी मास बढ़ता है। इसके साथ दूसरा पार्ट आता है सेल डिफरेंशिएशन। ये सेल है, गो फॉर डिवीजन, फॉर्म टू सेल्स, फर्दर दे विल डिवाइड एंड फर्दर दे विल डिवाइड एंड फॉर्म नंबर ऑफ सेल्स, दे फॉर्म सम ग्रुप ऑफ सेल्स। ये देखो कोई ग्रुप बना रहे हैं सेल्स का, ये ग्रुप ऑफ सेल्स। अब ये ग्रुप क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएट होते चलते हैं, मतलब अंदर ही, और ये डिटरमिन करते हैं मीन्स आगे ये क्लियर करते हैं कि इनको ये टिश्यू बनाना है, इन सेल्स को अगर एनिमल्स में लेना है, जैसे मान लेते हैं कि नर्वस टिश्यू बनाना है, एपिथेलियल टिश्यू बनाना है, या कोई मस्कुलर टिश्यू बनाना है। उसी तरह से अगर प्लांट में बात करें तो क्या इसको एपिडर्मिस बनानी है, या इसको अंदर का डर्मिस का पार्ट बनाना है, या इसको उसके अंदर एंडोडर्मिस बनानी है, या जाइलम या फ्लोएम के सेल्स बनानी है। इस तरह से अलग अलग रोल प्ले करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सेल्स डिवाइड होने के बाद वो एक चार्ज टेक ओवर कर लेते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स ये बनाएंगे, ये ग्रुप ऑफ सेल्स ये बनाएंगे। क्लियर हुई बात। उसके बाद एम्ब्रियो बनने के बाद अब बारी आ गई कि ऐसे वो कौन से एनिमल्स हैं जो एम्ब्रियो बनाने के बाद दो तरह से ये अपना जो प्रोडक्शन है कैसे करते हैं। एक होता है ओविपेरस,
एक होता है द्विवी पेरस, एक ओवोवीवी पेरस भी होता है। बेशक आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में ये लिखा नहीं है, बट मैं ऐसे थोड़ा आइडिया आपको दे दूंगा। ओवी पेरस का मतलब हुआ द एनिमल्स विच ले द एग्स, वो एनिमल जो एग ले करते हैं, जो अंडे देते हैं। ये एग्स क्या है, वो कैलकेरियस सेल्स होते हैं, उनके बाहर देखे होंगे अंडे आपने, बाहर से हार्ड स्ट्रक्चर होता है। कैलकेरियस सेल्स का मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और फॉस्फेट से बनते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर बनता है। उनको कुछ टाइम के लिए एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है, 20 से 21 दिन या अलग अलग टाइम होता है उनका। उसके अंदर उस टाइम में वो एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू करते हैं और फुल एक डेवलपमेंट ऑफ बेबी अंदर होती है, उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन। और इनक्यूबेट होने के बाद वो क्या करता है, फिर जैसे ही एम्ब्रियो मैच्योर हो जाएगा तो एग जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा, और टूटते ही ये यंग बन बाहर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हैच, हैचिंग ऑफ एग, एंड इट प्रोड्यूसेस द यंग बन। उसके बाद ये यंग बन बाहर आ जाता है। तो ये एक नॉर्मली क्या है, ओवी पेरस। रेप्टाइल बर्ड्स के केसेस में ये एग्जांपल है। बीवी पेरस वो एनिमल्स जो यंग बन को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। द एनिमल्स विच गिव द बर्थ टू यंग वंस आर नोन एज बीवी पेरस। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इसमें आते हैं, उसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ का टाइम लगता है, वो 270 to 280 days का टाइम लगता है। उसके बाद वो यंग वन को बाहर आना होता है। तो यंग वन का जब बाहर, यंग वन जब जन्म लेता है, बाहर आता है, उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं डिलीवरी, दैट इज अंडरगोइंग द डिलीवरी। डिलीवरी पीरियड के बाद वो बेबी बाहर आ जाता है। ये है आपका ओवीपेरस, बीवीपेरस। अब ओवो बीबी पेरस, ओवम भी ले करता है और यंग बन को प्रोड्यूस भी करता है। मतलब ओवम ले करेगा, पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद वो यंग बन को बर्थ देगा, उसको बोलते हैं ओवो बीबी पेरस। बेसिक आपके यहाँ बुक में नहीं है, बट फिर भी चलो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ। अब यही पार्ट हम फ्लावरिंग प्लांट के साथ करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट में भी आपने देख लिया, जो सिनगैमी हुई उसमें हमने देखा कि जायगोट बना, ठीक है, जायगोट इनसाइड द ओव्यूल, ये ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर जायगोट बनता हो देखा आपने। और ओव्यूल किस में चेंज होता है, फर्दर सीड में। बट एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, फर्टिलाइजेशन जैसे ही खत्म हो जाती है, ऑल द फ्लोरल पार्ट शेड ओवर, खत्म हो जाते हैं, छूट जाते हैं वो केलेक्स, करोला, एंडोशियम वगैरह, और उसके जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं सब वो निकल जाते हैं और गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, बोलता ऐसे भी कुछ फ्रूट हैं जिनमें चिपके हुए रहते हैं कुछ पार्ट, वो क्या है, अगर सेपल्स किसी में चिपके हुए रहे, केलेक्स, अगर ये हम बात करें, ये कोई आपने ऐसा कुछ देखा हो, मिर्ची की अगर बात करें तो इसमें सेपल्स जुड़े हुए रहते हैं, देखा होगा आपने, हरी मिर्च हो जाए वो, शिमला मिर्च या बैंगन हो, तो इनमें ये चिपका रहता है, इसको परसिस्टेंट कैलेक्सिस बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जो नहीं छूटते हैं, वो चिपके हुए रहते हैं। इसके अलावा जायगोट जो है वो एम्ब्रियो में चेंज होता है, और ओव्यूल जो है वो डेवलप करने के बाद सीड बनाता है। फ्रूट ओवरी से मैच्योर होने के बाद फ्रूट बनता है, ओवरी से डेवलप करने के बाद ये फ्रूट बनता है, और फ्रूट जो है वो इसके बाहर जो थिक वॉल्स होती है उनको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। और पेरिकार्प जो है वो प्रोटेक्टिव होता है, ये सारे फ्रूट के अंदर के भागों को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो सीड्स हैं चाहे वो बाकी के पार्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। एक हमने मटर का यहाँ दिखा रखा है, दूसरा ये, दूसरा प्लांट का दिखा रखा है, ये ओव्यूल्स हैं इसके, और ये इसकी बाहर की कवरिंग है, इसको पेरिकार्प बोलते हैं, ये भी पेरिकार्प और ये भी ओव्यूल्स हैं। इसके साथ मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको और बेहतर से तरीके से एग्जांपल्स दे के, कहीं डायग्राम दिखा के आप भी थोड़ा ध्यान से पढ़ें, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस इट टुमारो। थैंक यू। आपका 10 से 11 का जो टाइम रहेगा, प्लस 2 और प्लस 1 का रहेगा, उसमें आप सुबह इसको ध्यान से देखें। रिपीट टाइम 5 से 6 बजे का रहेगा, फिर भी आपको देखना है, मिस भी कर जाते हो कई बार, मजबूरी भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो क्या करें आप,
सिटी चैनल का जो चंबा सिटी चैनल का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप इसको रेगुलर देख सकते हैं, जितनी मर्जी बार देख सकते हैं, तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है। आपकी क्वेरी जो भी होगी वो नंबर मेरा डिस्प्ले कर देंगे हम, उस पर आप व्हाट्सएप के क्वेश्चंस डाल सकते हो, कुछ भी किसी तरह की प्रॉब्लम है आप बता सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।